45 हजार जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में गठित जांच दल ने बावल औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों द्वारा साबी नदी के पेटे में छोड़े जा रहे अपशिष्ट एवं केमिकल युक्त पानी पर पिछले दो दिवस में कार्रवाई करते हुए मिट्टी की मेड़ बनाकर हरियाणा सीमा से आ रहे प्रदूषित पानी को रोका गया। एक्सीएन राजकुमार मीणा ने बताया कि बावल औद्योगिक इकाइयों द्वारा हरियाणा की सीमा पर छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी का बहाव राजस्थान की सीमा के अंदर आ रहा था। जांच दल ने मौके का जायजा लेते हुए हरियाणा से आ रहे प्रदूषित पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा। उन्होंने बताया कि प्रदूषित पानी को राजस्थान सीमा में प्रवेश करने से रोकने के लिए मौके पर मिट्टी की मेड़ बनाई गई। मौके पर एसडीएम मुंडावर प्रियंका बड़गुजर, तहसीलदार मदन सिंह, बीडीओ मुंडावर शानू अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इरिगेशन विभाग के अधिकारी सहित पटवारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इस गंभीर समस्या को दैनिक अलवर न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।